हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप तो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2020 एग्जाम्स। देखिए, अब जुलाई और अगस्त वाला जो अटेम्प्ट था वो कैंसिल हो चुका है। अब कंफ्यूजन काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये है कि सर, अब नवंबर में एग्जाम्स होने हैं, हमारे पास टाइम अवेलेबल है, हम इस टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें, किस हिसाब से हमें पढ़ाई करके चलनी पड़ेगी, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी क्या तरीका होना चाहिए, किस हिसाब से हमें रिवाइज करना है, क्या हमें सब्जेक्ट्स किस हिसाब से कंप्लीट करके चलना है, और कुछ हम एडिशनल चीजें कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये चीजें मैं आज पूरी तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, तभी आप अपना एक डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है जी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको जितनी भी सीए कोर्स से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती चली जाए, ठीक है जी। चलिए, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2020। आज देखिए है 6 जुलाई, तो हमारे पास कितने दिन अवेलेबल है पहले एक बार डेज देख लेते हैं। अगर मैं जुलाई के मंथ की बात करूं तो जुलाई के मेरे पास लगभग 25 दिन अवेलेबल है। अगस्त की बात करूं, अगस्त के लगभग मेरे पास 31 डेज अवेलेबल है। सितंबर की बात करूं तो सितंबर के मेरे पास 30 डेज अवेलेबल है, और अक्टूबर की बात करूं तो अक्टूबर के मेरे पास 30 डेज अवेलेबल है। और सर, नवंबर के भी दिन अवेलेबल होंगे आपके पास, क्योंकि इंस्टीट्यूट इज प्लानिंग टू कंडक्ट एग्जाम्स इन दिसंबर, ठीक है। तो देखते हैं कि नवंबर के भी हमारे पास 30 डेज अवेलेबल है। तो अगर मैं इनको सम अप करूं तो मेरे पास आज की डेट से कितने दिन अवेलेबल है, टोटल 146 डेज अवेलेबल है। अगर मैं राउंड फिगर में इसको ले लूं, राउंड फिगर में अगर आप ले तो 140 डेज अवेलेबल है। कितने दिन अवेलेबल है, 140 डेज। 6 दिन आप और निकाल दीजिए। कैसे निकाल दीजिए सर, कई सारे फेस्टिवल आ जाएंगे, अभी रक्षाबंधन आ जाएगा, दिवाली आ जाएगी, जन्माष्टमी आ जाएगी, तो फेस्टिवल का टाइम होता है तो सर उस टाइम पे पढ़ाई नहीं हो पाती, और मान लो एक आध दिन हमारा वैसे भी वेस्ट हो गया, तो लगभग ऑन एन एवरेज 140 डेज अवेलेबल आपके पास आज से है, ठीक है। अब इस 140 डेज को अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स में डिवाइड करूं तो कितने दिन आवर्स अवेलेबल है। देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप इसमें से 7 घंटे की स्लीप के निकाल दो, सोने के 7 घंटे निकाल दो, तो आपके पास कितने दिन अवेलेबल, कितने आवर्स अवेलेबल है एक दिन में, 17 आवर्स। सर, ये 7 घंटे का जो सोना होता है ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो। अगर आप एक ही बारी में 7 घंटे रात को सोना चाहते हो तो 7 घंटे रात को सो जाओ। अगर आप दो पार्ट्स में सोना चाहते हो, मतलब जनरली कुछ बच्चों को आदत होती है कि हम 5-6 घंटे रात को सोएंगे और 1-1.5 घंटा 2 घंटे हमें दिन में भी सोने के लिए चाहिए, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। उसके बाद 2 घंटे आप निकाल दो अपनी मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिए, बचेंगे 15 घंटे। मिसलेनियस एक्टिविटीज मतलब नहाना धोना, खाना पीना, ये सब जितने भी अनप्रोडक्टिव काम है उनके लिए 2 घंटे निकाल दो। इसमें आपका नहाना धोना, फ्रेश होना, खाना पीना, 3 टाइम का खाना, ये सारी चीज आ जाएंगी। कुछ फैमिली टाइम भी आपको स्पेंड करना चाहिए। तो अब आपके पास बचेंगे 15 आवर्स, इसमें से 1 घंटा जरूर निकालो आप फॉर योर रिलैक्सेशन। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि हम लोग प्रेशर इतना क्रिएट कर लेते हैं कि हम अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाते। जैसे कि थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा भगवान का ध्यान लगा लो, थोड़ा अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लो, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ बैठ के कुछ बातें डिस्कस कर लो, और म्यूजिक सुन लो, जिस तरीके से भी आप रिलैक्स फील करो अपने आप को, आपको रिलैक्स जरूर फील करना है। अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना, अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लेके आना। तो यहां पर आपके पास जो बचेंगे 14 आवर्स, ये आपकी स्टडी के लिए होनी चाहिए। दिस इज फॉर योर स्टडी, मैं कहता हूं स्टडी ना बोल के, दिस इज फॉर योर करियर। या आपको अपने करियर के लिए एक दिन में 14 आवर्स रखने हैं, ठीक है। तो अगर आप 140 डेज में आप बोलते हो कि मैं 13 to 14 आवर्स का पूरे दिन में एक दिन में टाइम दूंगा फॉर माई करियर, फॉर माई स्टडीज, तो आपके पास आज से लेकर एग्जाम तक कितने दिन बचेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 140 into, तो लगभग मैं कह सकता हूं सर 1800 से लेकर 2000 आवर्स तक का टाइम अवेलेबल होगा, ठीक है। और सर ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, इसको कम मत समझो। 1800 से लेकर 2000 घंटे आज से, 1800 से लेकर 2000 घंटे आप लोगों के पास अवेलेबल है। क्या आप इतने टाइम में अपने सीए इंटरमीडिएट को नहीं निकाल सकते? सर बड़ी आराम से निकाल सकते हो। हम क्या होता है, हम एक एक दिन खराब करते चले जाते हैं,
आज का दिन खराब हुआ, कल का दिन खराब हुआ, आधा टाइम आप अपने सोचने में लगा देते हैं, प्लानिंग में लगा देते हैं, कोई फायदा नहीं है सर। जितनी प्लानिंग करोगे उतनी खराब होगी। एक बार प्लानिंग करो और उसको एग्जीक्यूट करते चलो, फिर थोड़े टाइम में आओ फिर दोबारा उसको रिवाइज करो। अभी उसमें भी आता हूं मैं किस हिसाब से आपको प्लान बनाने। तो कहने का मतलब है कि 1800 से लेकर 2000 घंटे तक आपके पास अवेलेबल है टू प्रिपेयर फॉर योर नवंबर एग्जाम्स, नवंबर अटेम्प्ट। अब यहां पर मेरे पास तीन तरीके के स्टूडेंट आएंगे। पहला तो स्टूडेंट वो होगा कि जिन्होंने ग्रुप वन की तैयारी करी थी फॉर जुलाई एंड अगस्त, कि सर जुलाई अगस्त में हमें ग्रुप वन देना था। एक तो वो बच्चा है, एक वो बच्चा था जिन्होंने ग्रुप टू की तैयारी करी थी फॉर जुलाई और अगस्त, कि सर हमारा ग्रुप टू ही बचा है, ग्रुप वन तो हमारा क्लियर था, ग्रुप टू बचा था वो हमें जुलाई और अगस्त में निकालना था। और एक बच्चा वो था जो बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहा है, जो बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहा है, या तो जुलाई अगस्त में वो तैयारी कर रहा था बोथ ग्रुप्स की, या अब वो आगे करेगा। तो मैं तीनों बच्चे से थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बात करूंगा। देखो, अगर तो बच्चा है जो ग्रुप वन की प्रिपरेशन कर रहा था फॉर योर जुलाई और अगस्त अटेम्प्ट, हाँ जी, अगर तो बच्चा है जो ग्रुप वन की तैयारी कर रहा था फॉर जुलाई और अगस्त अटेम्प्ट, तो सर उनको बोथ ग्रुप्स में चले जाना चाहिए। गो फॉर बोथ ग्रुप्स, गो फॉर बोथ ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स की अब प्रिपरेशन उनको करनी है, तभी कोई फायदा होगा इस टाइम का। अगर आप जुलाई अगस्त में सिंगल ग्रुप देने की सोच रहे थे, तो अब आपको नवंबर अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स देने हैं। उसके बाद जो बच्चा सिर्फ ग्रुप टू को पढ़ रहा था, जो बच्चा सिर्फ ग्रुप टू के लिए तैयारी कर रहा था क्योंकि ग्रुप वन उसका क्लियर था, तो अब वो क्या करेगा, अब वो अगेन अगेन ग्रुप टू को रिवाइज करता चला जाएगा। ग्रुप टू को रिवाइज करते चलो, प्लस मैं एक आपको छोटी सी रिकमेंडेशन क्या दूंगा, आप सीए फाइनल का एक पेपर उठा लो। और कोई मैं क्लासेस लगाने के लिए नहीं कह रहा आपको, बिल्कुल भी मत लगाना अभी समय क्लासेस, सीए फाइनल, क्योंकि क्लासेस लगाना सर आपका माइंड थोड़ा चेंज हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं, अभी आपको कोई क्लासेस नहीं लगानी, आपको सीए फाइनल का एक पेपर उठाना है और उसको सेल्फ स्टडी करना है, उसको सेल्फ स्टडी करना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि सीए फाइनल का आप लॉ उठा लीजिए, आप सीए फाइनल के लॉ के पेपर को सेल्फ स्टडी के फॉर्म में पढ़ते चलिए। नहीं भी समझ में आता सर, थोड़ा थोड़ा रीड करते चलिए, क्योंकि इंटरमीडिएट में आप लॉ पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो, तो आपको सीए फाइनल की लॉ थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाएगी। अगर मैं बोलूं कि सीए फाइनल को ऑडिट उठा लो, तो सर थोड़ा सा टेक्निकल है वो पेपर, या आप उठाना चाहो तो ऑडिट भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकलिटीज यहां पर ज्यादा इन्वॉल्व होती है, बाकी कोई पेपर अभी आपको नहीं समझ में आएगा। तो बेटर यही है कि सीए फाइनल का लॉ या सीए फाइनल का ऑडिट, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी पे हो जाते हैं, तो इसको आप साथ साथ उठाकर चलो। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका सिर्फ ग्रुप टू ही पेंडिंग है, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए, बाकी किसी को सीए फाइनल का भी कुछ नहीं करना। जो बच्चा बोथ ग्रुप्स के लिए प्लान कर रहा है, जो बच्चा बोथ ग्रुप्स के लिए प्लान कर रहा है, तो सर प्रिपेयर फॉर रैंक, ये ध्यान रखना, प्रिपेयर फॉर रैंक, यहां भी मैं लिख देता हूं प्रिपेयर फॉर रैंक, प्रिपेयर फॉर रैंक। अच्छा, कोई बच्चा जो ग्रुप वन के लिए सोच रहा था कि मैं नवंबर में ग्रुप वन की तैयारी करूंगा, ग्रुप वन के पेपर दूंगा, नहीं सर, ग्रुप बोथ ग्रुप्स के लिए जाओ एंड प्रिपेयर फॉर रैंक, और रैंक के लिए तैयारी करो, ठीक है। यहां पर सीए फाइनल की कोई भी चीज आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू स्टार्ट, आपको कुछ भी नहीं स्टार्ट करना अभी, क्योंकि आपके पास 8 ग्रुप्स का प्रेशर ज्यादा होता है। सीए इंटरमीडिएट इज नॉट अ इजी टास्क, बच्चों का खेल नहीं है सर सीए इंटरमीडिएट निकालना भी, 8 ग्रुप्स का, 8 पेपर का प्रेशर ज्यादा होता है। तो अब मैं बोलूंगा उसका सीए फाइनल स्टार्ट करो, तो सर गलत हो जाएगी वो चीज। हाँ, अगर आपके ग्रुप टू के बचे ही 4 पेपर है, तो आप सीए फाइनल का एक पेपर स्टार्ट कर सकते हो, वो भी कम समय के लिए, ज्यादा टाइम नहीं उस पर डिवोट करना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि आपके पास जो टाइम अवेलेबल है पढ़ने के लिए, वो है एक दिन में 13 to 14 hours, 13 से 14 घंटे की आपको पढ़ाई निकाल के चलनी है। इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, इस 13 to 14 hours में आपको क्या क्या करना चाहिए, सर इधर सुनो ध्यान से। 13 to 14 hours में जो बच्चा बोथ ग्रुप्स के लिए तैयारी कर रहा है, उसको एक दिन में 2 classes तो देखनी है, क्योंकि सर आपको फेस टू फेस का चक्कर नहीं है, सारी वीडियो मोड पे क्लासेस चल रही है, तो आपको 2 classes तो देखनी है। उन 2 classes में लगभग 5 to 6 hours आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, 2 classes में आपके लगभग 5 to 6 hours इन्वॉल्व हो जाते हैं। और 2 classes कैसे, एक आप फर्स्ट स्लॉट में रखो, फर्स्ट स्लॉट मतलब जब भी आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो,
और एक आप लास्ट स्लॉट में रखो, एक आप लास्ट स्लॉट में रखो, मतलब अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई शुरू करना पढ़ाई करते हो तो आप सुबह सुबह उठते ही एक क्लास देखो, और रात को सोते टाइम जो आपका लास्ट स्लॉट रहेगा तब आप एक क्लास देखो, ठीक है। एट अ स्ट्रेच दो क्लासेस मत देखना, उनके बीच में लंबा गैप होना चाहिए कि एक आपने सुबह देख ली तो एक आपको शाम को देखनी है, और उसके बाद आपको अगली बारी में क्या करना है, दो सब्जेक्ट रिवाइज करके चलने हैं, 3 आवर्स ईच। तो ये लगभग आपके 13 to 14 आवर्स की स्टडी को निकाल देंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, जिस सब्जेक्ट की आप क्लासेस देख रहे हो, जिस सब्जेक्ट की आप क्लासेस देख रहे हो, यहां पर आपको वो सब्जेक्ट रिवाइज उस दिन नहीं करना, ध्यान से समझो मैं कह रहा हूं कि अगर आप मान लो यहां पर एडवांस अकाउंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं, एडवांस अकाउंट्स प्लस एफएम इको की क्लास देख रहे हो, एडवांस अकाउंट्स और एफएम इको की क्लास देख रहे हो, तो यहां पर आपको एडवांस अकाउंट्स और एफएम इको रिवाइज नहीं करना। आप क्या करो, अगर आपका एक ही ग्रुप पेंडिंग है तो आप ऑडिट और ईआईएस रिवाइज कर लो, और अगर आपके बोथ ग्रुप पेंडिंग है तो सर किसी भी ग्रुप, कोई भी दो ग्रुप वन के पेपर रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो आपने क्लासेस ली है वो भी आपकी चल रही है साथ साथ, और दो पेपर आपके और रिवाइज होते चले जा रहे हैं। इस तरीके से आपको शेड्यूल करके चलना पड़ेगा। मान लो ऐसा आपने MWF में किया, फिर उसके बाद आप क्या करो, आप TTS में अगेन कोई भी दो सब्जेक्ट्स की क्लासेस व्यू करो और दो सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी करो, ये आपको करके चलना, ठीक है जी, बात समझ में आती है, ये आपको करके चलना पड़ेगा। तो क्या बोला मैंने, समअप करते हैं एक बार, देखो अगर तो आपका एक ही ग्रुप पेंडिंग है, ग्रुप टू पेंडिंग है, तो आप सीए फाइनल का कोई भी एक पेपर स्टार्ट कर सकते हो, रिकमेंडेड है लॉ और ऑडिट, और कोई मत करना क्योंकि बाकी चीजों में एप्लीकेशंस ज्यादा हैं, टाइम ज्यादा लगता है और दिमाग भी ज्यादा खर्च होता है, तो लॉ और ऑडिट को पढ़ते चलो क्योंकि वो थ्योरी है, लॉ है, पढ़ सकते हो। और अगर आप बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हो तो सर 13 to 14 आवर्स तो आपको देने ही पड़ेंगे, और अगर आप ग्रुप टू की तैयारी कर रहे हो तब भी 13 to 14 आवर्स चाहिए, 2 घंटे आप सीए फाइनल को दो और 11 घंटे आप अपनी ग्रुप टू की प्रिपरेशन को दो। 13 to 14 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, इसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। दो पार्ट्स में कैसे, कैसे कि सर दो स्लॉट्स तो मेरे को क्लासेस के लिए रखना है जो मैं वीडियो लेक्चर्स देख रहा हूं, और बाकी दो स्लॉट्स आपको सेल्फ स्टडी के लिए रखने हैं। जिन दो सब्जेक्ट्स की आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो उन दो सब्जेक्ट्स को उस दिन सेल्फ स्टडी नहीं करना, आपको कोई और सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी करना है, अगले दिन आना है आपको सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है जी, बात समझ में आती है। तो आपका टारगेट होना चाहिए, आपका क्या टारगेट होना चाहिए, आपको एक टारगेट क्या बना के चलना है कि आई हैव टू कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट्स बाय 30th September, 30 सितंबर तक, 30th September तक आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक बार में कंप्लीट करके चलने हैं। अगर आपके हो रखे हैं तो अच्छी बात है, आप रिवाइज करके चलो, आप रिवीजन को बोलो कि मेरे को रिवीजन करके चलनी है, और अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो सर आपको 30th September तक अपने सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग पूरी करके चलनी है, सो दैट आपके पास अक्टूबर एंड नवंबर का जो मंथ रहेगा वो आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए बचेगा, वो आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए बचेगा। मैं आपके पास सितंबर के महीने में फिर आऊंगा कि 2 महीने में आप अपने इंटरमीडिएट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे रिवाइज कर सकते हो, फिर आऊंगा मैं सितंबर के मंथ में एक आपको स्ट्रेटेजी लेकर, लेकिन अभी मैं आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं दूंगा, अभी मैं बोलूंगा कि कोशिश ये करो कि सितंबर तक आपको अपने सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन एक बारी में पूरी कंप्लीट करके रखनी है, और वो तभी हो सकती है अगर आप मेरे तरीके से ऊपर टाइम डिवोट करके चलोगे। अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, लेट नाइट पढ़ो, आई डोंट केयर, लेकिन पढ़ना है, जब आप पढ़ सकते हो उस टाइम आप पढ़ो, जब आपका माइंड ज्यादा चलता है उस टाइम आप पढ़ो। ये सबको पता होता है कि सर मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर किस टाइम पे ज्यादा हाई होती है। अगर मैं देखो अपनी बात करूं तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा हाई होती है, तो मैं प्रेफर करूंगा अर्ली मॉर्निंग पढ़ना, लेकिन कुछ बच्चों को अर्ली मॉर्निंग नींद आती है, आलस आता है, वो सोचता है कि मैं लेट नाइट पढ़ सकता हूं, तो आप लेट नाइट पढ़ो, लेकिन निकालने आपको पूरे दिन में 13 to 14 आवर्स की स्टडी आउटपुट है ही है, इतना तो आपको निकालना पड़ेगा। यही आप फाइनल लेवल पे आओगे तो मैं आपको बोलूंगा 15 to 16 आवर्स, यही मैं फाउंडेशन के बच्चों को कम बोलता हूं, तो आपके लिए 13 to 14 आवर्स इज आइडल टाइम,
ठीक है जी। प्रिपरेशन करते समय आपको अपना स्टडी मटेरियल, अच्छा क्या क्या बुक्स रेफर करनी है ये जरूर ध्यान देना, कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए। देखो जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हो उस कोचिंग की बुक तो होगी होगी। आपको आईसीएआई का स्टडी मटेरियल जरूर करना है, जरूर आपको आईसीएआई का स्टडी मटेरियल करना है। पास्ट 4 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज आपको करने हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर करने हैं। पास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स के आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके चलने हैं। आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, पास्ट 4 अटेम्प्ट के आरटीपी, पास्ट 3 से 4 अटेम्प्ट के आपको सजेस्टेड आंसर्स, ये भी आपको देखकर चलने हैं। देखो मैं अपनी बुक में ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर देता हूं। अगर आप मेरी अकाउंटिंग की बुक देखोगे, मैं इंटरमीडिएट लेवल पे अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता हूँ और ऑडिट पढ़ाता हूँ। अगर आप मेरी तीनों में से कोई भी बुक उठा के देखोगे तो तीनों किताब में आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं। कुछ मेरे खुद के क्वेश्चंस होते हैं, पूरा आईसीए के स्टडी मैट के क्वेश्चंस कवर होते हैं, 4-5 अटेम्प्ट के आरटीपी कवर करता हूं मैं, और 3 से 4 अटेम्प्ट के मैं पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को भी कवर करके चलता हूं, क्योंकि ये सर बहुत जरूरी है, ये चीजें बहुत जरूरी है। बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो ये चीज आपको करके चलनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो देखो हमारे पास है पेपर अकाउंट्स, तो सर अकाउंट्स में कोई भी अमेंडमेंट नहीं आती है, अगर छोटी मोटी आएगी भी तो वो आपको अपडेट हो जाएगी, कोई अमेंडमेंट एज सच नहीं आती है। उसके बाद लॉ में सर अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। अभी तो आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो उस तरीके से पढ़ के चलो, आपका जो आरटीपी आएगा नवंबर 20 का, उसमें अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड होगी, तो आप अमेंडमेंट उस हिसाब से करके चलना। उसके बाद टैक्स में सर भरपूर अमेंडमेंट्स आती हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी अमेंडमेंट नहीं होती है, एडवांस अकाउंट्स एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं होती है, अगर कोई एएस में छोटा मोटा चेंज है तो वो हो जाएगा, लेकिन उम्मीद नहीं है कोई अमेंडमेंट होने की। ऑडिट, ऑडिट में सर जो अमेंडमेंट चलती है वो लॉ के हिसाब से चलती है, अगर कंपनी लॉ में कोई अमेंडमेंट आ रही है तो ऑडिट में अमेंडमेंट वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगी। कंपनी लॉ के ऑडिट एंड ऑडिटर्स के कोई चैप्टर में अमेंडमेंट आती है, अकाउंट्स में अमेंडमेंट आती है, तो वो अपने आप ही अमेंडमेंट ऑडिट में भी एप्लीकेबल रहती है। ईआईएस नो अमेंडमेंट एंड एफएमई को नो अमेंडमेंट, ठीक है। तो अमेंडमेंट वाले जो पेपर्स हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं सर, लॉ टैक्स एंड ऑडिट, सिर्फ इन्हीं पेपर्स में आपकी अमेंडमेंट हो सकती है। उसके बाद कोई भी ना तो अकाउंट्स में कोई अमेंडमेंट, ना कॉस्ट में कोई अमेंडमेंट, ना एडवांस में, ना ईएएस में, ना एफएमए, इनमें कोई अमेंडमेंट ऐसा होती नहीं है। बाकी अमेंडमेंट की आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको एग्जाम के टाइम पे जो आरटीपी आएगा तब तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक दो चीजें और डिस्कस करनी थी आपसे, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो मैंने सीए इंटरमीडिएट के लिए बना रखा है, तो वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दूंगा, तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। उसमें क्या होता है कि कुछ अमेंडमेंट्स है या कोई अच्छे क्वेश्चंस है, खासकर कि अकाउंट्स और ऑडिट से रिलेटेड, एडवांस अकाउंट्स, अकाउंट्स और ऑडिट से रिलेटेड, वो मैं सेंड करता रहता हूँ। प्लस अदर भी कोई सब्जेक्ट में अमेंडमेंट आती है तो वो भी मैं आपको उसमें सेंड करता चला जाता हूँ, तो डू ज्वाइन दैट चैनल, वो चैनल जरूर ज्वाइन करना। उसके साथ मैंने कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको हर 3 to 4 डेज में एक बार आपके साथ YouTube पे लाइव आऊंगा, YouTube पे आपके साथ लाइव आऊंगा, सो दैट आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझसे रेज कर सकते हो। वहां पर कोई मैं सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स नहीं लूंगा, YouTube लाइव आके सिर्फ आपके कुछ जनरल डाउट्स हैं, पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी चीज के डाउट्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करके चलूंगा। सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट, इनकी आई श्योरली अश्योर यू कि सर सितंबर तक मैंने आपको टाइम दे रखा है कि सितंबर तक आप खुद पढ़ो। सितंबर के बाद आकर मैं आपके रिवीजन क्लासेस लूंगा और टेस्ट लूंगा ऑन यूट्यूब ओनली, 3 पेपर के, एडवांस अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिट, इनके मैं रिवीजन सेशंस आपके जरूर लूंगा यूट्यूब पर, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है जी। तो ये चीजें मैं आप लोगों के साथ कर सकता हूं। और अगर आपको एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस लेनी है, अगर आपको एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस लेनी है, तो सर 10 जुलाई से आई एम स्टार्टिंग द बैच, तो आप उसमें रजिस्टर करा सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल्स दे दूंगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑडिट की भी मैं क्लासेस शुरू करूंगा, लेकिन ऑडिट की क्लासेस होंगी अगस्त के महीने में स्टार्ट,
ऑडिट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगस्त के महीने में जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो लाइव बैचेस रहेंगे, तो मैं लाइव ऑनलाइन बैचेस कंडक्ट कराऊंगा जूम के ऊपर। 40 डेज का बैच होगा, 100%, ये कोई क्रैश कोर्स बैच नहीं है, 100% होगा, 40 डेज रेगुलर बैच, रेगुलर बैच होगा, 2 आवर्स ईच, यानी कि लगभग 80 आवर्स के अंदर अंदर आपका ऑडिट का सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा। और एडवांस अकाउंट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, गूगल ड्राइव लेक्चर्स है, वो 10 जुलाई से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो सर जाइए, सबसे पहले उनको रजिस्टर करा लीजिए। और इसकी खासियत क्या है सर, पहले 10 लेक्चर 1 to 10 लेक्चर्स YouTube पे भी प्रीमियर होंगे फ्रॉम 10 जुलाई 10 AM ऑनवर्ड्स। तो अगर आप पहले YouTube पे देखना चाहते हो तो पहले आप YouTube पे पहले 10 लेक्चर को देख सकते हो। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे सुबह 10 बजे आपको YouTube पे क्लासेस मिल जाएंगी एडवांस अकाउंट्स की। उसके बाद आप रजिस्टर कराना चाहो तो आप रजिस्टर करा सकते हो, और अभी कराना चाहो तो अभी करा लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, यहां पर आपको मैं अपनी किताब भी दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको बुक मिलेगी। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, उसका भी एक मैकेनिज्म है। तो पीडीएफ फॉर्म में आपको बुक मिलेगी, सारे के सारे आईसीए के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन एक ही जगह पर कंपाइल्ड है, आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर आपको कंपाइल होकर मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलो। सो ये मेरी कुछ स्ट्रैटेजी थी, तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी, तो इसको फॉलो करो, जरूर फॉलो करो, क्योंकि सर अब आपको टाइम खराब नहीं करना है। लगता ऐसा है कि सर टाइम हमारे पास मिल गया है, टाइम 3-4 महीने का टाइम हमें मिल गया है, तो हम उसको मतलब ठीक तरीके वेस्ट कर देते हैं बच्चे, लेकिन वेस्ट नहीं करना, उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है। अगर अभी आपकी किसी सब्जेक्ट में पकड़ कमजोर थी तो सर उस पकड़ को मजबूत बनाओ। अगर अभी आप पास होने के लिए तैयारी कर रहे थे तो अब आप रैंक के लिए तैयारी करो, तो किसी ना किसी तरीके से आपको करके चलना है, टाइम को खराब नहीं करना। ठीक है, और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपना जो भी आपको क्वेश्चन है आपके माइंड में वो आप क्वेश्चन मुझसे पूछिए, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है जी, कमेंट में पूछना चाहो कमेंट में ही पूछ सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन डू आस्क समथिंग सो दैट मुझे इससे ये पता लगता है कि बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है जी, और जल्द ही जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि जल्द ही मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी भी लेके आ रहा हूं आपके पास, जल्द ही मैं उसके लिए भी तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि उसमें मेरे को भी थोड़ा बहुत कोर्स को देखना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाता तो मैं 3 ही सब्जेक्ट हूं, लेकिन मुझे अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी कोर्स एक बार व्यू करना पड़ता है, तो वो स्ट्रेटजी मैं बना रहा हूं। जल्द ही मैं आप लोगों के साथ वो स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज शेयर करूंगा, उसको जरूर 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 फॉलो करना। ठीक है जी, चलिए फिर इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है जी, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।